Lovely punch. Another boundary. Oh, he's gone again. Very, very well played. That's gone. Amazon, it's in the gap. दोस्तों सुप्रेडिक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर एक बार स्वागत है। तो यार आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले लंका प्रीमियर लीग 2024 की 15 नंबर मुकाबले के बारे में, जो खेली जाएगी जाफना किंग्स और कैंडी फाल्कन के बीच में 13 जुलाई को भारतीय समय के हिसाब से शाम को 7:30 में आर प्रेमादासा स्टेडियम पर। फिर एक बार इस मुकाबले की पूरी अपडेट के साथ आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जाफना किंग और कैंडी फाल्कन के बीच में ये जो मुकाबला खेली जाएगी, इन दोनों टीम में से इस मैच में कौन सी टीम विन करेगी। जैसे कि दोस्तों इस सीजन के पहले का 5 मैच पालेकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया था, उसी तरह 6 नंबर से लेकर 14 नंबर मुकाबले तक रंगीली दामोला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा चुका है। लेकिन 15 नंबर मुकाबले से लेकर फाइनल मुकाबले तक कुल 10 मुकाबला आर प्रेमादासा के मैदान पर खेला जाने वाला है। इसलिए इस पिच के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। पिच रिपोर्ट को विस्तार में जानने के बाद ही हम अंदाजा लगा सकते हैं किस मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल कर पाएगी। इस पिच पर बल्लेबाजी चलेगी या फिर गेंदबाजी चलेगी, या फिर डिफेंड वाली टीम की दबदबा रहती है या फिर चेस वाली टीम की। पिच रिपोर्ट के अलावा हम इन दोनों टीम की पूरी कंपैरिजन करेंगे। दोनों टीम की इस सीजन में यहाँ तक की सफर क्या रह चुके, दोनों टीम के बीच में कितनी बार आमना सामना हो चुकी है, दोनों टीम के तरफ से इस मुकाबले में इनका प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या रहेगी, इन तमाम चीजों के बारे में हम आपको पूरी विस्तार में बताने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यार वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के सीधे वीडियो के मेन टॉपिक पर चलते हैं और शुरू कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये मुकाबला खेला जाएगा, ये जो आर प्रेमादासा की मैदान है कोलंबो श्रीलंका में आती है। हम अगर पिच के बारे में बताएं तो ये जो पिच है गेंदबाजों के लिए बहुत ही बेहतर मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर खेले गए पिछले 4-5 मैच में हमें कुछ इस तरीके का स्कोर देखने को मिली है। जैसे कि दोस्तों कोई मैच में 128, कोई मैच में 124, कोई मैच में 143, कोई मैच में 173 और ऐसा भी एक मैच हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है जो 82 रन बनी है। ऐसा स्कोर यहाँ पर पहली बारी में हमें देखने को मिली थी। इसलिए दोस्तों हम आपको बोले जो पिच है एक तो बॉलिंग फेवर पिच है, यहाँ पर गेंदबाज बल्लेबाजों के ऊपर काफी दबाव डाल लेते हैं, जिसके चलते यहाँ पर ज्यादातर मैच लो स्कोरिंग वाली मैच देखने को हमें मिलती है। दोस्तों आप सभी को तो मालूम है दूसरे मैदान में क्या होती है, पिन गेंदबाजों के मुकाबले स्पेस गेंदबाज ज्यादा विकेट चटकाते हैं, लेकिन इस मैदान के जो बिहेवियर है वो थोड़ा अलग है। पेस गेंदबाजों के मुकाबले स्पिन गेंदबाज ज्यादा विकेट चटका लेते हैं। बाकी रही यहाँ की बल्लेबाज की बात, तो बल्लेबाजों को यहाँ पर होशियारी से नाप तोल के खेलने की जरूरत है। पहले का एक दो ओवर में यहाँ पर बल्लेबाजों को डट कर रहने का है पिच के ऊपर। जब सही तरह से इस पिच पर इनका पकड़ आ जाए, अच्छी तरह से सेट हो जाए, उसके बाद ही बड़े बड़े शॉट मारने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं होता है, तो इन सारी चीजों को अगर बल्लेबाज नजर रखेंगे तो अच्छा खासा स्कोर भी बना सकते हैं। बाकी इस मैदान पर खेले गए मैचेस की अगर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों इस मैदान के ऊपर अभी तक कुल 45 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से यहाँ पर फास्ट बैटिंग करने वाली टीम 24 मुकाबले में जीते हैं, तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम 21 मैच में जीत हासिल किया है। यहाँ की एवरेज स्कोर पहली पारी में 150 की देखने को मिल जाती है। इस मैदान की सबसे बड़ा स्कोर जो है जाफना किंग्स के नाम पर दर्ज है 6 विकेट के नुकसान पर 207 रन, तो वही यहाँ की सबसे कम स्कोर जो है दामोला सिक्सर के नाम पर दर्ज है 10 विकेट के नुकसान पर 69 रन। भाई इसके अलावा यहाँ की स्कोरिंग पैटर्न के ऊपर आप नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है 150 से नीचे का स्कोर 22 बार बनी है, 150 से लेकर 169 के बीच में 10 मैच में गई है स्कोर, 170 से लेकर 189 की स्कोर 9 मैच में गई है और 190 से अबव स्कोर यहाँ पर 4 मैच में बनी है। अब स्कोरिंग पैटर्न को देखने के बाद आपको भी अंदाजा लग गया होगा, इसीलिए हम आपको बोले थे जो पिच है एक लो स्कोरिंग वाली पिच है। इसके अलावा अगर हम इस मैदान की एवरेज सेशन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर पहले का 6 ओवर में 40 से 42 के आसपास स्कोर जाती हुई नजर आएगी, 10 ओवर तक 70 से 72 की स्कोर, 15 ओवर तक 100 से लेकर 105 के आसपास स्कोर जाएगी, आखिरी के 20 ओवर तक आपको 160 के आसपास स्कोर जाती हुई नजर आ जाएगी। दोस्तों ये सारा सेशन आपको इस मैच में देखने को मिल सकती है। इन सारे सेशन को अपने अपने हिसाब से एसर नोट कर लीजिएगा, वरना आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको सभी क्रिकेट मैच की लाइव सेशन की प्रिडिक्शन देते हैं। खाली सेशन नहीं यार, हमारे चैनल पर आपको सेशन के अलावा टॉस की प्रिडिक्शन, मैच की प्रिडिक्शन और भी दुनिया भर के प्रिडिक्शन होते हैं, जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते हैं। सभी प्रिडिक्शन हम आपको हमारे टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ हमारे टेलीग्राम पर बहुत भाई जुड़े जो अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। आप भी टॉस मैच सेशन खेलते हैं या फिर इंटरेस्टेड है खेलने के लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों ही जगह हमारे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाए। आप किस तरह ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालेंगे उसकी जिम्मेदारी हमारी है। टेलीग्राम पर ज्वाइन होने के साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ी सी तकलीफ उठा लीजिए। आप लोगों की लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए कोई दुआओं से कम नहीं है। आप सभी को प्रॉफिट दिलाने के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप सभी का सपोर्ट और प्यार हमें मिलना चाहिए कि नहीं, थोड़ी सी प्यार और सपोर्ट हमें भी कर लीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, आगे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। देखिए यार पिच रिपोर्ट के बारे में हम आपको बता चुके हैं, जिसमें डिफेंड वाली टीम और चेस वाली टीम के बीच में ज्यादा गैप नहीं है। यहाँ पर ओनली 3 मैच ही चेस से ज्यादा डिपेंड हुई है, जो भी हो जबकि डिफेंड वाली टीम 3 मैच में ज्यादा
ज्यादा जीते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फोकस हमें डिफेंड वाली टीम के ऊपर रखना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दोनों टीम की यहाँ तक की सफर के बारे में बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे अगर इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल की पोजीशन के बारे में बात करते हैं, जापान की टीम इस सीजन में 6 मैच खेले हैं, 4 मैच में जीते हैं, 2 मैच में हारे हैं, 8 पॉइंट के साथ पहले स्थान को कब्जा किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कैंडी फाल्कन की टीम इस सीजन में 6 मैच खेलते हुए 2 मैच में जीते हैं, 4 मैच में इनको शिकस्त मिल चुके, 4 पॉइंट के साथ आखिरी के स्थान पर मौजूद है। अब यहाँ पर पॉइंट टेबल के हिसाब से कैंडी फाल्कन से जापान की टीम बहुत ही आगे नजर ही आ रही है और हेड टू हेड की कंपैरिजन के हिसाब से इन दोनों टीम के बीच में 11 मुकाबले में आमना सामना हुई है। इन 11 मैच में से जापान की टीम 4 मैच में जीते हैं और कैंडी फाल्कन की टीम जापान के अगेंस्ट में 7 मैच में जीते हैं। फिलहाल अभी जो लंका प्रीमियर लीग की सीजन चालू है इसमें भी इन दोनों टीम के बीच में एक मुकाबले खेले जा चुके हैं, वो मैच एक जबरदस्त मैच रही थी। दोस्तों उस मैच में क्या होती है, जापान की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करते 20 ओवर के अंदर 7 विकेट गवा के 224 रन बनाती है तो उस स्कोर का पीछा करते हुए कैंडी फाल्कन की टीम 18.2 गेंद के अंदर 3 विकेट गवा के 230 रन बना लेती है। कैंडी फाल्कन की टीम 7 विकेट से जापान को हराने में कामयाब बनती है। आप जो इस मैच में दोनों इनिंग्स में स्कोर देख रहे हैं ये इस सीजन की सबसे हाई स्कोरिंग वाली मैच रही थी। यार कैंडी की टीम पहले तो जापान को 7 मैच में हराई थी और अभी का सीजन में भी एक बार मात देने में सफल हो चुकी है। ऐसे में क्या जापान की टीम इस मैच में हार का बदला ले सकती है या फिर कैंडी फाल्कन की टीम फिर एक बार मात देने में सफल हो पाएगी, कौन बनेगी इस मुकाबले की विनर हम आपको आगे चल के बताएंगे। उससे पहले चलिए जान लेते हैं इस मुकाबले के लिए इन दोनों टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। आपको जापान किंग्स की प्लेइंग 11 की तरफ से देखने को मिलेंगे। ओपनिंग में कुशल मेंडिस के साथ चरित्र असलंगा, 3 पे प्रथम निशंका, 4 पे अभिषेक फर्नाडो, 5 पे रैली रोशव, 6 पे अजमतुल्ला ओमरजाई, 7 पे फेवन एलन, 8 पे बनुजा सहन, 9 पे तबरीज शमशी, 10 पे प्रमोद मधुसहन और 11 नंबर में अशिता फर्नाडो दिखेंगे। दोस्तों ये सारे खिलाड़ी जापान किंग्स की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इनके अलावा अगर हम कैंडी फाल्कन की प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं, इनके ओपनिंग में आपको दिखेंगे अंद्रे फ्लेचर के साथ दिनेश चंदीमल, 3 पे मोहम्मद हरीश, 4 पे कमेंदु मेंडिस, 5 पे अंजलि ओमेथी, 6 पे दासुन सनागा, 7 पे बनेंदु हसरंगा, 8 पे रमेश मेंडिस, 9 पे दुश्मता चमेरा, 10 पे शरीफुल इस्लाम, आखिरी के 11 नंबर में कविंदु पथिरत्न खेलते हुए नजर आएंगे। यार ये सारे खिलाड़ी भी कैंडी फाल्कन के तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। तो आपको इस मैच में ऐसा ही कुछ प्लेइंग 11 दोनों टीम के तरफ से देखने को मिलेगा। अगर इनके प्लेइंग 11 में बदलाव होता है वो नई प्लेइंग 11 की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इस मुकाबले की विनर कौन बनेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो यार पिच रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफेंड वाली टीम का पलड़ा भारी रही है और दोनों टीम की कंपैरिजन में पॉइंट टेबल के हिसाब से जापान की टीम आगे है, लेकिन हेड टू हेड के हिसाब से जापान से कैंडी की टीम आगे रही है। दोस्तों हम यहाँ पे आपको एक सवाल करना चाहेंगे, इन सारे रिपोर्ट इन सारे स्टेट्स को देखने के बाद आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल कर पाएगी। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि विनर को लेकर एक कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन यार हमारे तरफ से इस मुकाबले की जो विनर टीम रहेगी वो रहेगी जापान। जापान की टीम इस मैच में कैंडी को हराती हुई नजर आ सकती है। दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिएगा। वीडियो को खत्म करने से पहले फिर एक बार रिमाइंड करवा देते हैं, आप अगर सभी क्रिकेट मैच से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस मैच से रिलेटेड इस वीडियो में जानकारी इतना ही है। चलो यार आज के इस वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट मैच के वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।